की है राज्य सरकार ने, सही केसेस बताने का कोई वो नहीं है प्रावधान। अब बोल दिया परसों से के वापस बढ़ाओ, नहीं मतलब क्या है, जब ज्यादा केस आते हैं तो बोलते हैं कम करो, नहीं ये चीजें तो बिल्कुल गलत है राज्य सरकार की, के टेस्टिंग करने के कम करो ज्यादा करो, ये क्या मतलब है, जनता के साथ ही खिलवाड़। तो आंकड़े छुपाने का भी एक वो होता है, आंकड़े मत छुपाओ फिर वापिस ये कोरोना इस तरीके से फैलेगा कि जनता फिर मतलब इसको समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर को बुला करके पूछा जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि राज्य सरकार से ऑर्डर है कि टेस्टिंग कम से कम की जाएगी। इस वीडियो में भरतपुर के नंदभाई स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सरकार की पोल खोलते हुए दिख रहे हैं। भरतपुर सांसद रंजिता कॉली ने सोमवार को नंदभाई स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सांसद रंजिता कॉली के सामने स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन गुप्ता ने राज्य सरकार की पोल खोलकर रख दी। मंगलवार को सांसद रंजिता कॉली और डॉक्टर पवन गुप्ता की बातचीत का वीडियो पूरे राजस्थान में वायरल हो रहा है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की इससे खूब किरकारी हो रही है। उदा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कप्तान सिंह को इस वीडियो की जानकारी हुई तो फौरन स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर पवन गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने सरकार की छवि खराब की है। दरअसल सांसद रंजिता कॉली नंदभाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान एक मरीज ने सांसद से कहा कि उनकी कोरोना जांच नहीं हो रही है और इसके बाद सांसद रंजिता कॉली ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पवन गुप्ता से सैंपल के बाबत में सवाल पूछे। इस पर डॉक्टर पवन गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना सैंपलिंग कम कर दी है। सांसद रंजिता कॉली ने कहा कि सही आंकड़े छिपाए जा रहे हैं तो डॉक्टर पवन गुप्ता ने कहा कि जब ज्यादा केस आते हैं तो बोला जाता है कि सैंपलिंग कम कर दो। सांसद रंजिता कॉली ने कहा कि आंकड़े छिपाकर सरकार जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है और वापस कोरोना फैलेगा तो इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से एक डॉक्टर ने गहलोत सरकार की पोल खोलकर रख दी है। डॉक्टर पवन गुप्ता ने कहा है कि जब ज्यादा केस आते हैं तो हमसे बोला जाता है कि सैंपलिंग कम कर दो, तो इस तरह सरकार आंकड़े छिपाकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है।